लंबे समय तक लगातार इनकार करने के बाद सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आखिरकार कंफर्म कर दिया कि वे हेरा फेरी 3 कर रहे हैं। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी दिखेगी। जल्दी फिल्म की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। फिल्म 2019 में शुरुआत में ही फ्लोर पर आ सकती है। याद दिला दे कि बीच में से अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम का नाम भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन शेड्यूल में देरी होने की वजह से उन्हें फिल्म से दूरी बना ली है, लिहाजा वापस पुरानी कास्टिंग को फाइनल किया गया। वहीं फिल्म के निर्देशन का जिम्मा संभाला है इंद्र कुमार ने। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया जा चुका है। जल्द ही रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस के नाम पर भी चर्चाएं चल रही हैं। फिरोज नाडियावाला के बैनर तले यह फिल्म बड़े ही स्तर पर शूट होने वाली है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले डायरेक्टर इंद्र कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हेरा फेरी 3 का निर्देशन वो करेंगे और फिल्म अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ही होंगे, लेकिन फिर अक्षय कुमार ने फिल्म से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अक्षय कुमार ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी। दोस्तों, अक्षय कुमार जो है अब जल्द ही आपको हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।